हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब जैसा कि आपको पता है कि आज जे के क्लास फोर्थ का पेपर था तो उसमें हमने जीएस वाला पार्ट जो है वो वीडियो अपलोड कर दी थी अभी हम मैथमेटिक्स इंग्लिश और रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो दोस्तों मैथ वाला पार्ट जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है इसके जो आंसर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जो वन है बिना देरी किए वे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो है दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर जो वन है इसका सही आंसर बी पार्ट हमारा सॉल्व करके निकला है ऐसे नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों टू था क्वेश्चन नंबर टू का हमारा सी पार्ट आंसर सॉल्व करके निकला है तो इसका सही आंसर था सी पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जो है द एवरेज ऑफ फोर सक्सेसिव आर्ट इज तो दोस्तों इसका आंसर ए पार्ट है तो इजी क्वेश्चन था थर्टी वन इसका आंसर आया है आपको इसमें थर्टी वन थर्टी थ्री थर्टी फाइव और थर्टी सेवन को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय फोर करना है तो इसका आंसर आएगा थर्टी फोर इसकी एवरेज आएगी तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था थर्टी वन था सबसे छोटा नंबर हमने इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर फोर का दोस्तों हमारा आंसर डी पार्ट निकल के आया है क्वेश्चन नंबर फोर का और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव द बाल्स एंड द रूफ ऑफ ए रूम फीट इसको हमारा सॉल्व करके आंसर जो निकला है वो सी पार्ट निकला है तो इसका आंसर दोस्तों सही आंसर जो इसका है वो सी पार्ट है नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये एट्थ क्लास की जो एट्थ एट्थ क्लास में जो एट्थ चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला उसमें से एक्सरसाइज 8.2 में सिमिलर क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर वन वहाँ से आया हुआ है एट्थ क्लास से ये मैंने बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इसका सही आंसर है बी पार्ट इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच नंबर मस्ट बी एडिड तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सही आंसर हमारा आया है वो है डी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट जो है दोस्तों इसको सॉल्व करके जो आंसर हमारा निकला है वो ए पार्ट निकला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इफ ए स्टूडेंट हैड फाइव हाउस आर्स ऑफ होमवर्क तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन है इसका हमारा आंसर सी पार्ट निकला है क्वेश्चन नंबर जो टेन है इन ए क्लास ऑफ वन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट ये दोस्तों सिंपल टेंथ क्लास की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ था इसमें एक एक ट्रिक उन्होंने दिया हुआ था ऐसे ये क्वेश्चन लेंथी है बट उन्होंने एक ट्रिक दिया हुआ था जो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में दिए हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट्स नीचे लिखना था और ऊपर हम जो प्रोबेबिलिटी में फार्मूला लगाते हैं तो जो थर्टी स्टूडेंट थे वो दोनों वाले थे तो एक एक वाले कौन कौन से थे सेवेंटी और फिफ्टी फाइव वाले तो ऐसे ही इसका जो आंसर हमारा सॉल्व करके निकला है क्वेश्चन नंबर टेन का वो ए पार निकला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो दोस्तों इसके हमें सही आंसर में थोड़ा डाउट है आप भी चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है वो डायलिंग ए टेलीफोन नंबर इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का वो बी पार्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो थर्टीन है द एवरेज वेट ऑफ एट बॉक्सेस इज इंक्रीज बाय क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो सही आंसर हमारा निकला है वो सी पार्ट निकला है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय फोर्टी नाइन एंड द सेल डिक्रीज बाय ये दोस्तों कमोटेटिव एक चैप्टर होता है कम्पटेटिव जब हम मैथ पढ़ते हैं तो कमोडिटीज तो उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो ये दोबारा टेंथ क्लास की प्रॉबलिटी से आया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये जो एजिस वाला क्वेश्चन है ये भी एट्थ क्लास में भी है टेंथ क्लास में भी है ये भी सिंपल क्वेश्चन था एजिस वाला वहाँ पे हम लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे उस चैप्टर में एजिस वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये जो टेंथ क्लास का क्वेश्चन मान लो चाहे एट्थ क्लास का मान लो दोनों क्लासेस को कवर करती हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो आंसर है वो सी पार्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेवनटीन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का हमारा ए पार्ट निकला है ये भी सिंपल जिसने सिंपल परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये भी एट्थ क्लास का चैप्टर एट जो है वो उस इस क्वेश्चन को कवर कर देता है आसान क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन नंबर एटीन जो है वो एवरेज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन का जो आंसर है वो दोस्तों सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो है फाइव ईयरस एगो ये दोबारा एजिस वाला क्वेश्चन है ये भी एट्थ क्लास और टेंथ क्लास इसको कवर कर देगी सिंपल क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द लेंथ ऑफ ए रूम ब्रेथ तो ये सिंपल एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम हमारा एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों क्लासेस में जो चैप्टर आया था तो ये भी आसान क्वेश्चन आया हुआ था इसका आंसर है दोस्तों ए पार्ट तो इसी के साथ हमारी मैथ वाली सेक्शन ख़त्म हुई अब हम चलते हैं रीजनिंग वाले तरफ दोस्तों रीजनिंग जो हम कहें तो रीजनिंग इतनी ना तो मुश्किल थी ना ही इतनी आसान थी थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी मैथ में भी कुछ क्वेश्चन आसान थे कुछ क्वेश्चन टफ थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे तो ना तो पेपर हम कह सकते हैं कि इजी है इतना इजी था ना कह सकते हैं कि इतना टफ था लेवल पे था तो क्वेश्चन नंबर जो बिना देरी के है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो है इसका जो आंसर है इसका ए पार्ट आंसर बनता है दोस्तों इसमें जो जो चीज़ पूछी गई है वो ए है एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स तो जो ऐसे बंदे जो सिर्फ एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स हैं बाकी कुछ ग्रेजुएट्स भी नहीं हैं तो रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं करते तो उसका आंसर आता है यहाँ पे ए पार्ट तो इसका जो आंसर बनता है दोस्तों वो ए पार्ट बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये जो डायरेक्शन का है ये भी इजी क्वेश्चन था ये भी अगर आप डायरेक्शन का थोड़ी सी डायरेक्शन जिस बच्चे ने भी डायरेक्शन पढ़ी होंगी तो ये आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों जैसे ग्रास ग्रास जो है वो लॉन में होता है और क्रॉप कहाँ होती है क्रॉप फील्ड में होती है तो इसका आंसर है सी पार्ट ये भी एक इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री जो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका हमारे uh, मुझ हमें जो लगता है इसका आंसर ग्रैंड चाइल्ड ए पार्ट आएगा लेकिन हो सकता है ये आंसर ना हो आप इसको चेक कर लेना दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वो सीरीज़ का क्वेश्चन है ये भी ना इतनी सीरीज आसान थी ना इतनी मुश्किल थी तो इसको हमने जो सॉल्व करके इसका आंसर निकाला है वो है ट्वेंटी फिफ्थ का डी पार्ट नेक्स्ट दोस्तों ये ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोडिंग वाला क्वेश्चन था ये लेटर के ऊपर कोड भी दिए हुए हैं सिंपल क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं करना है हमने इसका सीधा सा आंसर जो बनता है वो ट्वेंटी सिक्स का सी पार्ट बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी सेवन है दोस्तों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये रिलेशन वाला क्वेश्चन था जिस बच्चे ने भी ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जिसका आंसर है डी पार्ट इसका आंसर जो हमने निकाला है वो फादर है नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी एट है ये भी क्वेश्चन आसान है तो इसका जो आंसर है इसमें बताया हुआ है कि ऑरेंज को हम फ्लावर कहते हैं फ्लावर को हम जेली फिश कहते हैं और जेली फिश को हम टेल टेल जेली फिश को टेल कहते हैं और टेल को हम कॉल पेंटिंग कहते हैं तो इसका जो हमें पूछा हुआ है कि रोज़ को क्या कहेंगे तो फ्लावर को क्या बोलते हैं फ्लावर को जेली फिश बोलते हैं तो रोज़ क्या है रोज़ एक फ्लावर है तो इसका क्या आंसर आएगा बी पार्ट बी पार्ट यानी जेली फिश दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी नाइन है क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी नाइन है दोस्तों इसका सही आंसर जो पूछा है उन्होंने वो एच है हमने सारी फिगर्स को आस्ता आस्ता डिलीट करते जाना है तो जो पूछा है वो एच आंसर है एच जो है वो बी पार्ट में है तो इसका आंसर सही बी पार्ट है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है ये भी फिगर्स वाला है तो हम इसमें जो ए पार्ट है वो भी फिगर जब हम उसको रोटेट करेंगे तो बी बनेगा उसको हम जब रोटेट करेंगे तो जो डी वाला है ना वो डी नहीं आएगा क्योंकि जो डी का जो ऊपरली साइड एरो है वो नीचे वाली साइड आना चाहिए तो इसीलिए लिए यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है विच ऑफ द फिगर इज़ डिफरेंट जो डिफरेंट है तीनों में से वो डी है तो इसका सही आंसर क्या है डी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जो है दोस्तों सीरीज वाला क्वेश्चन है ये भी आसान क्वेश्चन है थर्टी वन इसका जो आंसर हमने निकाला है वो बी है आप भी इसका चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों थर्टी टू जो है ये शेप्स का है ये हमें पेंटागंस दिए हुए हैं ओवरलैपिंग सारे पेंटागंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें बताना है कि रेस्ट सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट जो तीनों में से डिफरेंट है तो दोस्तों इसका जो सही पार्ट है वो ए पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्टी थ्री है थर्टी थर्टी थ्री क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों प्राइम नंबर है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका uh, जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ट्वेंटी थ्री है बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जो थर्टी फोर है दोस्तों ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है जिस बच्चे ने भी डायरेक्शन पढ़ी होंगी तो उसके लिए ये क्वेश्चन आसान था क्वेश्चन नंबर जो थर्टी फाइव है वो भी डायरेक्शन का है क्वेश्चन नंबर जो थर्टी सिक्स है दोस्तों इसका आंसर जो हमने निकाला है वो ए पार्ट है सॉरी ए पार्ट है इसका आंसर जो थर्टी सेवन क्वेश्चन है ये भी रिलेशन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है ये भी आप छोटी सी डायग्राम बनाओगे तो ये भी आराम से क्वेश्चन निकल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जो है व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट इन द सीरीज तो ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर था थर्टी एट का वो ए पार्ट था थ्री हंड्रेड फोर सीरीज का क्वेश्चन है इतने ईजी भी नहीं है बट अगर आप निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा हमने जो इसका आंसर निकाला है वो थ्री हंड्रेड फोर निकाला है नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों जो थर्टी नाइन क्वेश्चन है थर्टी नाइन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया और यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम आ, आ, इन ये जो लाइनें हमें दी हुई एरो वाली लाइनें जिनको हम तीर कह सकते हैं दिए हुए हैं तो ये सी वाली फिगर आएगी नेक्स्ट तो इसका आंसर जो सही पार्ट इसका आंसर है दोस्तों सी है ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये इन्हें सर्टेन लैंग्वेज हार्ट कॉफ़ी कोडिंग एस वन ट्वेंटी थ्री ये जो लेटर्स की कोडिंग होती है वहाँ से क्वेश्चन था कोडिंग का क्वेश्चन था जिस बच्चे ने कोडिंग पढ़ी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन आसान था नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों जो हमारी बेसिक इंग्लिश की सेक्शन है बहुत ही इंग्लिश सेक्शन हम कह सकते हैं कि थोड़ी ईजी थी इतनी ईजी भी नहीं बोल सकते पर जिन बच्चों को थोड़ी वोकेबलरी आती है तो उनके लिए ये जो बेसिक इंग्लिश वाला सेक्शन था ये थोड़ा ईजी था दोस्तों जो फोर्टी वन क्वेश्चन है फोर्टी वन क्वेश्चन कॉमर्स कॉमर्स क्या होते हैं ये सेलिस्टल बॉडीज़ होती हैं हमने सेलिस्टल uh, बॉडीज़ होती हैं ये सोलर सिस्टम में तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमने फोर्टी uh, वन का दोस्तों सी पार्ट निकाला है इसका सही आंसर अपेयर आएगा दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है कन्वर्सेशन एक्रिड एक्ट का दोस्तों मीनिंग होता है पंजट तो हमें पूछा है इसका द uh, कन्वर्सेशन अंटानियम पूछा है तो इसका आंसर दोस्तों स्वीट है बी पार्ट आसान क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन आई फाइंड इट वेरी टायरिंग टू डू तो यहाँ पे ये जो हम काम बार बार करते हैं ना जो हम काम बार बार करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया वो डेली वर्क होता है तो डेली वर्क के लिए हम क्या लगाते हैं कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द तो इसका आंसर आएगा द सेम वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द दनान्यूम एंड लेटीट्यूड वर्ड तो दोस्तों लेट्स का मीनिंग होता है अलो करना किसी को आज्ञा देना तो इसका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था इसका आंसर था अलो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन जोहन इज नेवर साइलेंट स्पेक्टेटर तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी फाइव है दोस्तों इसका आंसर था ए नेक्स्ट हम पैराग्राफ है हमारे पास इस पैराग्राफ को रीड करके जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का जो आंसर बनता है वो सी पार्ट आंसर बनता है और जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है इसका आंसर बी पार्ट बनता है और जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है इसका भी आंसर बी पार्ट बनता है और जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है इसका आंसर डी पार्ट बनता है और जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी है इसका आंसर बनता है ए पार्ट दोस्तों ये पाँचों क्वेश्चन जो हैं वो पैसे में थे पैसेज आसान था सिर्फ थोड़ा लेंथी था तो जिस बच्चे ने पैसेज को जिसकी रीडिंग रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो उस बच्चे ने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा जल्दी से जल्दी क्योंकि पैसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा होगा लेकिन क्वेश्चन जो है वो आसान थे क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी वन है द हाउस दे इनहेरिटेड बिलोंग टू इसका आंसर दोस्तों देयर आएगा ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो इसका आंसर जो है वो देयर आएगा फिफ्टी वन फिफ्टी वन का आंसर आएगा देयर सी पार्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू फाइंड द अंटानियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई स्टॉप तो अंटानियम स्टॉप्ड का अंटानियम क्या होता है शुरू करना स्टॉप का मीनिंग रोकना तो इसका मीनिंग अंटानियम uh, पूछा है तो अंटानियम का मीनिंग शुरू करना होगा तो एग्जीक्यूट का दोस्तों मीनिंग शुरू करना होता है तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्टी टू का बी पार्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं फिफ्टी थ्री चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कम्प्लीट देंटेंस तो इसमें हमें प्रपोजिशन चूज करना है द दे आर सिटिंग दे आर सिटिंग फिफ्टी थ्री का दोस्तों बी है ऑन तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर ही बैठते हैं तो ऑन आता है हमारा ऑन द टेबल ऑन ए चेयर तो ऑन द ऑन द बेंच आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्टी फोर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन इसमें भी हमें प्रपोजिशन भरना है फिफ्टी फोर में तो इसका तो सही आंसर है दोस्तों वो सी है शी इज़ at द टिगर काउंटर किसी जगह के लिए ऐट आता है और प्लेस में इन द पार्क आगे क्या आएगा इन आएगा ये भी आसान क्वेश्चन था दोस्तों प्रपोजिशन से फिफ्टी फाइव इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन द फिलंग फिल्म फिल्म सॉरी तो दोस्तों इसका जो आंसर हमने निकाला है वो ओपनस है लेकिन थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन को आप भी देख लेना हो सकता है इसका आंसर जेके एस एस भी चेंज कर दे जहाँ दूसरा आंसर बोले तो हमारे हमारे गैस से यही बनता है जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी सिक्स है इसका सही आंसर जो है वो बी पार्ट है दोस्तों ये हमारे जो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये टेंथ में भी होते हैं नाइन्थ में भी होते हैं ट्वेल्थ में होते हैं तो दोस्तों इसका भी जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसका सीधा इफ़ इफ़ जो है कम्प्लेक्स को शो करता है तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बोला था तो इफ़ वाला पार्ट आना था फिफ्टी सेवन जो है द हीट ग्रेजुअली डिसिपेट्स इन इन टू द एटमोसफियर तो इसका हमें दोस्तों सुनानिय बताना है सेम अपियर डिसिपेट का मीनिंग होता है फिफ्टी सेवन डिसपेट का मीनिंग होता है मतलब गुम हो जाना तो गुम हो जाने का मीनिंग क्या होता है डिसअपेयर तो इसका ए पार्ट आंसर है बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों फिफ्टी एट इन द ब्लैंक्स विद क्रैप्ट ऑप्शन तो फिफ्टी एट जो दोस्तों है इसका आंसर आना है सी पार्ट द कास्ट ऑफ द न्यू स्कीम्स आउट वे स्कीम आउट वे इट्स सपोज्ड बेनिफिट तो ये डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस था यहाँ पे किसी चीज़ की कास्ट डेफिनेट है तो इसका आंसर आएगा सी uh, वाला बार्ड द, द द आना है दोनों जगह नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी नाइन है चूज द बर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन दोस्तों इसका सिंपल आंसर था फिजिकल एक्सरसाइज आना था फिजिकल एक्सरसाइज जो हम डेली करते हैं तो फिफ्टी नाइन का दोस्तों जो आंसर बनता है वो बी पार्ट बनता है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था डेली एक्सरसाइज करने वाली जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन इस सेक्शन का फिलिंग द ब्लैंक्स विद क्राफ्ट ऑप्शन तो कहते हैं कि जानी वांटेड वर्नी वांटेड ए ए कैमरा टू टेक सम पिक्चर्स तो यहाँ पे दोस्तों डी पार्ट सही आंसर बनता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों फ्यू नहीं आएगा फ्यू का मीनिंग नेग्लिजिबल होता है कि कुछ भी नहीं तो मैनी भी नहीं आएगा मच भी नहीं आएगा तो इसका सही जो आंसर है वो डी पार्ट है इसी के साथ दोस्तों हमारी एनालिसिस खत्म हुई होप हम आशा करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों इसका जो आप कह सकते हो कि जो मैरिड है वो जनरल जनरल का सिक्सटी तक जा सकता है और जो कैटेगरी वाले हैं उनका थोड़ा इससे कम जाएगा दोस्तों ओवरऑल कहें तो हमने जी एस वाला पार्ट भी एनालाइज कर लिया है मैथ वाला भी कर दिया है रीजनिंग वाला भी कर दिया है और इंग्लिश वाला भी कर दिया है तो ओवरऑल जो हमारी कंक्लूज़न बनती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ना तो पेपर इतना आसान था ना पेपर इतना मुश्किल था पेपर मॉडरेट लेवल का था तो इसका जो दोस्तों मेरिट है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है लगभग सिक्सटी के लगभग ही जाने वाला है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो कोई भी आए तो उसको आप मिस ना कर सको जय हिंद दोस्तों